में निकालता है और डीलर को सामान दे देता है। और ये डीलर जाता है और ये सीधे कंपनी से कॉन्टेक्ट करता है, कोई ना कोई कंपनी से जो सामान बनाती है, राइट। तो कंपनी भी क्या करती है, यहाँ 50 रुपए का सामान में 10 रुपए अपना प्रॉफिट निकाल के 60 रुपए में इसको दे देती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक और रहता है एड, विज्ञापन। विज्ञापन और विज्ञापन में 2% कंपनी खर्च करती है, अपने सामान को हाईलाइट कराती है ताकि इसको पता चले, तभी तो ये सामान लेगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये झूठा विज्ञापन कराती है। जैसे एक उदाहरण के लिए, पप्पू चॉकलेट खा के पास हो आता नहीं है कोई बच्चा, चॉकलेट खा के पास होता है? अगर चॉकलेट खिला के अगर डिग्रियां मिलती तो माँ बाप हजारों लाखों रुपए खर्च स्कूल में क्यों करते, है कि नहीं? बूढ़ा खाए जवान हो जाए, एक च्यवनप्राश का एलाता, ऐसा हुआ है क्या? ये झूठा विज्ञापन करते हैं और अरबों खरबों खेलते हैं और एसी कार एसी बंगले में रहते हैं, कभी ये मार्केट के साबुन से नहीं नहाते। फिर भी ऐश्वर्य भाभी आती है और कहती है मेरे सुंदरता का राज फला साबुन है, है कि नहीं? साबुन लगाने से अगर कोई सुंदर या बुरा होता तो बेस्ट विलेज के लोग काले नहीं होते, वो सारे के सारे रगड़ रगड़ के गोरे हो जाते, होते कि नहीं होते? तो ये झूठा विज्ञापन करते हैं। इस तरह से ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केट के तहत सामान आता है। तो ये 60 रुपए का सामान जो ग्राहक के पास पहुंचता है तो ग्राहक के कितने का मिलता है? 100 रुपए का मिलता है। अब ये देखिए, इन सब ने एक दूसरे को पैसा देके पैसा कमाया, पर उस ग्राहक ने भी पैसा दिया, पैसा कमाया तो नहीं, बल्कि इन लोगों ने जो कमाया वो ग्राहक से लेके कंपनी ने इनको दे दिया 50 का सामान 100 का, 20, 10, 30, 5, 35, 3, 38 और 2, ये 40% जो है ग्राहक की जेब का। आज से नहीं, हजारों वर्ष से हमारे पूर्वज देके चले आ रहे हैं और इतिहास गवाह है कि एक छोटा सा अगर कोई दुकानदार इतनी सी दुकान लाता है परंतु 5 साल के बाद वो जो है वहाँ बिल्डिंग बड़ी खड़ी कर लेता है और हम झोपड़ी की झोपड़ी में रहते हैं। उसका कारण क्या है? बाजार व्यवस्था। क्योंकि हमारी मजबूरी थी, हम इसी व्यवस्था से सामान लेते आ रहे हैं, राइट? यस। परंतु अब हमें जो है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, आज तक हिंदुस्तान में एक से एक उद्योगपति हुए, टाटा वाटा अंबानी सिंघानिया मित्तल डालमिया, परंतु किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि हम इस कॉन्सेप्ट को सुधारें, इस व्यवस्था को हम सुधारें। परंतु सन 2000 में एक ऐसे मसीहा जिनको आप और हम नहीं जानते थे, आज 23 साल में उन्होंने एक ऐसा सिस्टम दे दिया है सन 2000 में, जिनका नाम है टीसी छावड़ा। एक बार जोरदार उनका भी कपड़े का व्यापार था, ट्रेडिशनल व्यापार, 1977 से उन कपड़े का काम कर रहे थे, 1986 में खुद की मिल डाली, उनका कपड़ा भी विदेशों में निर्यात हुआ करता था, ट्रेडिशनल मार्केट। परंतु उनका एक निर्णय कि यहाँ पर ग्राहक महत्वपूर्ण सामान का उपयोग करता है और कंपनी महत्वपूर्ण सामान बनाती है, कंपनी के बगैर ग्राहक का काम नहीं चल सकता और ग्राहक के बगैर कंपनी का काम नहीं चल सकता। परंतु अगर इन बीच के लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए तो ये 40% बच सकता है कि नहीं बच सकती है? तो कंपनी ने क्या सोचा कि 4 कदम कंपनी चले और अगर 4 कदम ग्राहक चले और दोनों यहाँ पर हाथ मिला ले, वो बीच में यहाँ पर पीयूसी यानी वंडर वर्ल्ड पीयूसी की पिकअप सेंटर खोल दिए जाए तो ये 40% बचेगा। चूंकि यहाँ पर हम नगद का व्यवहार रखते हैं तो इसमें हम 5% और मिला लें तो कितना हो जाएगा? 45%। 10 की जगह कंपनी यहाँ से 5% प्रॉफिट लेगी। तो ये 45% अगर हम एक सिस्टम के तहत ग्राहक को वापस करें तो अभी इनकी बिल्डिंगे आती थी, इनकी कारें आती थी, ये एसी बंगले एसी कार में घूमते थे, इनके बच्चे हायर एजुकेशन लेते थे, आम ग्राहक के बच्चे हायर एजुकेशन ले सकते हैं एसी बंगला एसी कार में। इतनी सी बात समझने का है, कंपनी अपने जेब से नहीं दे रही है, आपने ही का ही जो पैसा यहाँ जा रहा था एक सिस्टम बनाया और वो पैसा आपको वापस कर रही है अगर इस सिस्टम में आप शामिल होते हैं तो। और शामिल होने के लिए भी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई आपसे फांसी नहीं ली जाती, यहाँ पर आपको फ्री में जो है यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है फ्री में। आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, अपना एक KYC देना है। KYC अगर आप देते हैं, आधार कार्ड की फोटो ओरिजिनल अपने मोबाइल में खींच के, अकाउंट नंबर की कॉपी, बैंक अकाउंट का जिसमें आपको यहाँ से जो भी ये 45% का बोनस है वो आपके अकाउंट में आएगा, आपका एक फोटो, नाम नहीं का नाम और मोबाइल नंबर,
ये केवाईसी जैसे देते हैं तो यहाँ पर एक नंबर आपको अलॉट हो जाता है, और जैसे ये नंबर अलॉट होता है तो आपको यहाँ पर पहली बार 2000 का सामान खरीदना पड़ता है अपने इस नंबर के ऊपर। जैसे ही 2000 की आप खरीदी करते हैं आपका नंबर एक्टिवेट हो जाता है, उस तरह से जिस तरह से बैंक का अकाउंट भी फ्री में खुलता है केवाईसी देके, परंतु बैंक वाला बोलता है कि आपको यहाँ पर 1000 रुपए जमा करना पड़ेगा तब आपका नंबर एक्टिवेट होगा। बोलता कि नहीं बोलता? यस। जिस तरह से वहां पर एक्टिवेट होता है इसी तरह से यहाँ 2000 की खरीदी करने पे आपका नंबर एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही ये एक्टिवेट होता है तो आपको बाकी के जो फायदे हैं वो सारे फायदे आपको मिलते हैं। फायदे क्या क्या मिलते हैं? पहला फायदा आपको मिलता है कि यहाँ पर आपको शुद्ध सामान मिलने लगता है 100% गारंटी के साथ। 100% गारंटी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर आपको पक्का बिल मिलता है, कंपनी से आपको पक्का बिल मिलता है, जबकि मार्केट में आप साबुन का बिल नहीं मांगते, मांगते हो क्या? चाय लेने जाते हो चाय का बिल नहीं मांगते हो, तेल लाने जाते हो तेल का बिल नहीं मांगते हो, परंतु मोबाइल खरीदने जाते हो तो बिल मांगते हो कि नहीं मांगते? मांगते हो। मोबाइल खाने की चीज नहीं है। सोना लेने जाते हो तो बिल मांगते हो कि नहीं मांगते हो? क्योंकि सोना खाने की चीज नहीं है। तो खाने की चीज में बिल मांगना चाहिए, स्क्रीन में लगाने वाली चीज में बिल मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? भाई मोबाइल तो एक प्रकार से नुकसान है, जितना फायदा तो नुकसान भी है कि नहीं? परंतु खाने पीने की वस्तुओं का हम बिल नहीं मांगते। आज हिंदुस्तान की जनसंख्या 140 करोड़ की है, एक साबुन में अगर 1 रुपया टैक्स अगर लग रहा है उसमें हर साबुन में लिखा रहता है टैक्स इंक्लूड,